आपने एक ना बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ चीजें हैं जो मैं बाहर जाके सना से बात करूंगा। जी जी, वो इस बारे में थी कि देखो क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ तो मैं उसको सजेस्ट करते रहता हूँ कि एक औरतों के लिए आवाज उठाना, एक औरतों की आवाज बनना, कि मतलब इंडस्ट्री में जैसे औरतों के साथ शॉर्ट होता है कि यू नो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है या म्यूजिक वीडियोस में ये सब हो रहा है, तो मैं उसको इस मुद्दे पे समझाना चाह रहा था कि तू एक डोमिनेंट वुमेन है और देखो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए औरतों का कि वो मिसकंसेप्शन है जो हट जाए, लोग इज्जत करना सीखे। और वैसे कॉन्सेप्ट्स में हम वैसे म्यूजिक वीडियोस बनाएंगे जहां हम सिर्फ यू नो एक डांस नंबर के अलावा कुछ करेंगे, तो जैसे लड़कियों को ट्रीट किया जाता है म्यूजिक वीडियोस में, वो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट को तोड़ना है और उसके आगे बढ़ के कुछ नया करना है। तो ये सब सजेशन थे मेरे कि तू अपने आइडेंटिटी से मैच होता हुआ कुछ रोल लेना, जो भी तेरे को मिलेगा उसको फिल्टर करना और एक डोमिनेंट वुमेन का एक अच्छा छाप छोड़ना इंडस्ट्री पे। तो ये सब चीजों के बारे में मुझे बात करनी थी और मैं किया भी उससे मिलके। चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपको क्या लगता है कि क्यों हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने प्रोग्रेसिव थॉट की बात की इसलिए जानना चाहूंगी, फिर भी आपकी और सना की दोस्ती के बारे में क्यों सवाल उठाए गए जब हम इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं? क्या आज भी लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? जी, कोई कोई कम्युनिटी में तो ऐसा ही है कि उन लोग बहुत अजीब समझते हैं इस रिश्ते को। तो मेरा मकसद ही ये था कि मैं ऐसी दोस्ती का एग्जाम्पल सेट करूँ कि एक लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं जिनके बीच में हर चीज़ होती है, बॉन्ड है, फेथ है, रिश्ता है, और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, एक दूसरे का स्टैंड ले रहे। तो मुझे ये मिसाल कायम करने की थी, इसलिए मैंने ये टर्म भी दिया भमा है कि एक लविंग फ्रेंड को बोला जाता है और एक होमी बोलता ना, होमी को बोला जाता है। तो मुझे रिश्ते का एग्जाम्पल सेट करना था, काफी हद तक उसमें हम कामयाब भी हुए और हम बाहर भी अच्छे दोस्त रह के दुनिया को बता देंगे कि हम दोस्त रह के भी सब कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं लाइफ में। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है बिग बॉस का? नहीं, अभी तक तो नहीं बना है, मैं एक भी को तो नहीं जाने गए व्हाट्सएप। क्यों? बस हो गया यार, इतने 43 झेला हूं मैं सबको, अब मुझे और नहीं झेलना है पब्लिक को। और अगर ऐड किया तो एग्जिट मार देंगे फौरन। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं सबके साथ रहूंगा कनेक्ट में। हाँ। लेकिन बस वही जितना मुझे पसंद है बस उतना ही, किसी से बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं। थैंक यू। आपके फैंस के लिए कोई दो लाइन बोलना चाहेंगे? दिस इज द बार, ढेर सारा प्यार, पब्लिक मचाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, आलतू फालतू चीजों से बच के रहो और मचाते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और दुनिया को सलाम, देश भर को सलाम। दिस इज द बार इन द हाउस बॉय। Thank you, Nadine. Thanks. Thank you.